सही बात बताओ। हाँ सर यही रूम है, इसी रूम में ये मैंने अपने पति और उस लड़की को पकड़ा था रंगे हाथों। अच्छा, हाँ इस रूम में? हाँ ये वाला इसके अंदर रूम है, इसी के अंदर बाहर अंदर से लोग था, इसी के अंदर थे अच्छा दोनों रंगे हाथ। 100 नंबर की पुलिस के द्वारा, 100 नंबर की पुलिस यहाँ पे आई थी? हाँ आई थी गाड़ी लेके, और गाड़ी में बिठा के लेके गए थे 100 नंबर वाले। अच्छा, ये रूम। वैसे आप, तुम्हारे ससुराल यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से एक प्लॉट है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा 1 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, सोपडा रोड पर, कॉलोनी बिहार टेडी बगी वाली रोड से। अच्छा, तो वो ये इस लड़की को कब से रख रहे हैं ये पता नहीं आपको? ये मुझे पता चला 2 साल से रख रहा है यहाँ पर। अच्छा 2 साल से। हाँ लेकिन बताया है कॉलोनी वालों ने 2 साल से रख रहे हैं, लेकिन जासूसी की मैंने इसकी तो मुझे मालूम पड़ी। तो वो लड़की मौके पे पकड़ा गई, उसका सबूत है, फोटो फोटो है? हाँ सब कुछ है, वीडियो अच्छा। है सब कुछ है। अच्छा इसके अंदर दोनों पति पत्नी पकड़े, दोनों दोनों का मतलब लड़का जो मेरा पति है वो मैंने पति अपना और वो लड़की थी ठीक उसके साथ। तुम्हारा पति किसी दूसरी लड़की को रखता है? हाँ। आपको नहीं रखता है? नहीं मेरे को नहीं रखता है, वो अभी उस लड़की के साथ पकड़ा था मेरे को मार पीट के। मेरे 2 साल से ऐसा मामला चल रहा है। हाँ तो आपने इसकी गुहार किसी अधिकारी से लगाई थी? लगाई थी। अच्छा SSP के यहाँ लगाई थी, मुकदमे भी मैंने इसके ऊपर डाला था लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। नहीं कोई न्याय नहीं मिला, 694 की धारा भी लगाई थी। अच्छा। हाँ सीमा जी बताओ, 100 नंबर की गाड़ी आई थी तो थाने में आपका पति और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा गया, तो फिर भी आपको कोई न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं मिला, उसको छोड़ दिया गया था। वो कह रहे थे मतलब मेरी आंखों के सामने उन्होंने भगा दिया उस लड़की को, कह रहे थे वो भाग गई, कोई न्याय नहीं दिया उन लोगों ने। कह रहे थे कि कोई हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, मतलब सबूत दे के भी लड़की को रंगे हाथ पकड़ के भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो आप थाने तक गई, ऊपर अधिकारी को सूचना देती कि ऐसे ऐसे दरोगा ने पुलिस वालों ने एतमादौला की पुलिस ने ऐसा किया है, DM साहब से मिलते, आप कप्तान साहब से मिलते? अरे उस थाने के जो दरोगा जी थे वो मुझे आश्वासन देते रहे, कहते रहे तुमको न्याय मिलेगा, हम न्याय दिलाएंगे, सब कुछ होगा, कार्रवाई करवाएंगे तुम्हारी, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा पति है वो तुम्हारा ही होकर रहेगा, ये कोई लड़की नहीं है। उन्होंने मुझे कोई न्याय नहीं दिया, तो मैं योगी जी के यहाँ पर अपनी जान गंवा दूंगी जाके उनके ऑफिस पर। अच्छा। मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय दिला के रहूंगी अपना।